हाँ तो फिर बच्चों आज नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम कराते हैं, या हम कहें ये लास्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में, ये है इकाइनोडर्मेटा। देखो जैसे हर एक फाइलम के बारे में बताया था, इकाइनोडर्मेटा दो वर्ड से मिलके बना है, इकिनस मीन्स स्पाइन एंड डर्मा मीन्स स्किन। सो जितने भी एनिमल्स हैं इस फाइलम के, सारे एनिमल्स की स्किन पे स्पाइन्स होते हैं, या हम कहें इनकी बॉडी का टेक्सचर स्पाइनी होता है। ये जो स्पाइन्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ठीक, अब करेक्टर्स हम जनरल समझते हैं एक एक करके। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और सारी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। लेकिन एक बुक में बता रहे हैं एक ऐसी स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर में मिलती है, लेकिन खैर उसको छोड़ो, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। ऑल आर मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन एक ऐसा फाइलम है जिसमें सारे एनिमल समुद्र के पानी में मिलते हैं। जनरली देयर बॉडी इज पेंटामेरस, सामान्यतः इनकी बॉडी पेंटामेरस है। और तुम लोग यहाँ पे स्टार फिश से बहुत फैमिलियर हो, स्टार फिश को एस्टरेयस बोलते हैं। ठीक है, बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइन से कवर रहती है। इनकी बॉडी में एक और विशेष स्ट्रक्चर होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक सिस्टम है पानी का, और अंदर बॉडी के ये पानी एक डेफिनेट रूट में सर्कुलेट होता है। जब पानी इनकी बॉडी में जाता है तो इनकी बॉडी में ताकत आ जाती है, फर्मनेस आ जाती है। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी फ्लो करता है एक डेफिनेट रूट में, और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट काम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। ये इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के काम है। इनमें रेस्पायरेशन गिल्स की मदद से होता है, और गिल्स का एक यूनिक अरेंजमेंट होता है, इसको रेस्पायरेटरी ट्री भी बोलते हैं। इन एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं ट्यूब फीट, जिन्हें ये ट्यूब फीट लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, दे आल्सो असिस्ट इन रेस्पायरेशन लिखा हुआ है। और एक बात और है, ये भी यूनिक फीचर है, इनमें डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट होता है। इनके लार्वा, हमेशा ध्यान रखना, इनके लार्वा की बायलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि एडल्ट्स की इनकी हमेशा रेडियल सिमेट्री होती है। ये क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुका है, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। और क्वेश्चन जहाँ से बनने की बात है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, स्पाइंस किस आर मेड अप ऑफ रेस्पिरेटरी टेरी, और ये तो क्वेश्चन अपने आप में है ही यूनिक, दोनों बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इसमें ये तो कंपटीशन के हिसाब से है, रीजन के हिसाब से भी है। डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। देखो डायग्राम बनाने का मैं स्टार फिश का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक पेंटामेरस पेंटागोन बनाते हैं, बिल्कुल सही शेप बनेगी। इसमें से 5 आर्म्स निकाल देते हैं स्ट्रेट, निकाल ली सेम लेंथ की हम 5 आर्म्स निकाल देते हैं। अब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, 2 मिनट के अंदर ही सारा डायग्राम बन जाएगा। वी गेट प्रॉपर शेप। मैं देखता हूं बच्चों को इसकी प्रॉपर शेप नहीं आती, फिर इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे बना देते हैं, ये लाइनें मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, और हमारा स्टार फिश बन गया।
बॉडी में दो सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस, ऐसे स्टारफिश बना लेते हैं। इन सरफेसेस को ओरल और एबोरल के नाम से भी जानते हैं। ओरल सरफेस पे माउंट होता है, एबोरल सरफेस पे एनस होता है। लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे डॉर्सल सरफेस पे एनस आता है, वेंट्रल सरफेस पे माउथ आता है। माउथ वाली सरफेस को ओरल सरफेस बोलते हैं, एनस वाली सरफेस को एबोरल सरफेस बोलते हैं। पॉइंट लिखने को रह गया तो मैं बार बार एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। तो ये है इतना एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। और ये स्टारफिश है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सारे, ये साइंटिफिक नेम है, ये इनके कॉमन नेम है। एंटीडॉन सी फैदर बोलते हैं, एस्टीरियस की बहुत सारी स्पीसीज है, ये जीनस दी हुई है एक्चुअली। ये स्टारफिश है, इकिनस सी अर्चिन बोलते हैं इसको। तो ये चार एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो ये हमको बता रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है ये क्लास 11 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।